वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में और मैं प्रे करूँगी कि आपकी कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे आपका सप्तम्बर बहुत अच्छा गुजरे और आप खुश रहें लाइफ में ओके <laughs> सो okay. so, ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी सप्तम्बर की ओवरऑल लाइफ की प्रोडिक्शन है इस रीडिंग में हम जनरल प्रडिक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती है प्रडिक्शन क्या है आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है फ्रेंड्स के से रिलेटेड हो सकता है फाइनेंसेज या करियर से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं और आप उसके बाद हम लोग आपके ब्लॉकेजेस देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में और उन ब्लॉकेजेस को कैसे आप हटा सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सितंबर में और आपकी लव रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ क्या रिकॉन्स की तो अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी लव लाइफ में या रिलेशनशिप्स में ओके okay? और एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रडिक्शन है उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जिन जिन मैसेजेस से आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैसेजेस आपके लिए होंगे जो बातें आपके लिए होंगी फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएंगी कि वो आपके लिए हैं और अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ इस रीडिंग में जो आपको पसंद नहीं आती है जैसे आप ट्रिगर हो जाते हैं तो उस बात को छोड़ दीजिएगा फिर अपने दिल पे मत लीजिएगा ओनली टेक व्हाट रेजनेट्स ओके ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये रीडिंग्स मैं आपकी हेल्प करने के लिए बनाती हूँ आपको ट्रिगर या परेशान करने के लिए नहीं ओके okay? चलिए देखते हैं कि हमारे कैप्रिकॉन्स की क्या एनर्जी है सितंबर की ओह ऑफ वानस ओके एंड ओके ऑफ वांस बता रहा है कि सेप्टेम्बर में कुछ सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ में कुछ फंक्शन कोई इवेंट घर पे या फिर कोई गेट टुगेदर आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं सितंबर में और आप लाइफ इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग इस एनर्जी को रजिस्ट भी कर रहे हैं मतलब कि जिन लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करते हैं यूजुअली जिन लोगों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं यूजुअली, Uh, जो लोग इम्पॉटेंट हैं आपकी लाइफ में उन लोगों से थोड़ा आप दूर भी भाग रहे हो मतलब कि इट्स लाइक के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन लोगों से ही आप थोड़े से नाराज़ हैं या फिर थोड़ा सा दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने तो हो सकता है कि कोई किसी के साथ में कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो ये बहुत ही सितंबर की स्टार्टिंग की एनर्जी दिख रही है तो हो सकता है किसी ने आपको परेशान किया हो आप किसी से नाराज़ हो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपके फ्रेंड्स फैमिली या रिलेशनशिप में वो भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और उसके बाद में यहाँ पे द मून है वेटिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटी ओके तो आप में से कुछ लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो तो सितंबर में ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं आपके करियर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ये पेंटिकल है यूनिवर्स के साइड से वो सीड सीड uh, मतलब समझते हो कि आपको यूनिवर्स ने एक सीड दे दी एक बीज दे दिया उस बीज को बोने का काम आपका है उस सीड को प्लांट करना आपको है वाटर आपको देना है सनलाइट आपको देनी है नर्चर आपको करना है और ग्रो आपको करना है उस सीड को तो यहाँ पे मिल रही है वो सीड जिससे कि आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है सप्तम्बर में आपको बट इस अपॉर्चुनिटी के पास में मून है मतलब डर है इस अपॉर्चुनिटी को लेने का डर है अपने पोटेंशल में उतरने का डर है यू you नो know? तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है तो कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को या तो लेना नहीं चाह रहे हैं या फिर आप में से कुछ लोग क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कुछ बदलाव आपके जीवन में लेके आएगी तो आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं तो बहुत ही सप्तम्बर का टाइम इस सोच विचार में निकलेगा कि और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी भी हो सकती है कि दिमाग में कुछ आइडिया आया हो कुछ पिफ आई हो कि अच्छा ये कर लेना चाहिए वो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है वो इंस्पिरेशन आपके अंदर से आ रही है पर आपका दूसरा दिमाग क्या बोल रहा है कि अरे अगर ये कर लिया तो फिर मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा शायद मुझे अपनी जॉब या शहर चेंज करना पड़ेगा या फिर जॉब या शहर नहीं तो कुछ बड़े बदलाव फिर ज, लाइफ में आ जाएंगे तो क्या हम रेडी हैं उस चेंजेस के लिए तो यहाँ पे येस yes, कोई चीज़ करने का अंदर से मन हो रहा है या फिर लाइफ कोई अपॉर्चुनिटी ला रही है बट उसके बाद में हम थोड़ा सा उस थोड़ा सा झिझक रहे यू नो उस अपॉर्चुनिटी को इनसे तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है जो जीवन में लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना फोकस रखिएगा उस पे ऐसा नहीं हो कि निकल जाए बस आके फाइव ऑफ पेंटिकल है और सिक्स ऑफ पेंटिकल है ट्रांजिशन फाइव ऑफ पेंटिकल सिक्स ऑफ पेंटिकल लाइफ का ट्रांजिशन दिख रहा है सितंबर में किस चीज़ का ट्रांजिशन अकेलेपन और आइसोलेशन का ट्रांजिशन तो अगर हमने बहुत सारा टाइम अकेले में बताया है बहुत सारे टाइम हम ऐसे टाइम पे रहें जहाँ पे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला है अकेलापन लाइफ में फील किया है तो यहाँ पर ट्रांजिशन दिख रहा है कि फाइ ऑफ़ पेंटिकल की एनर्जी से निकल के सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हैं आप मतलब कि सपोर्ट सिस्टम नहीं था तो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो बहुत टाइम से अगर इस वाले फेज में थे लाइफ के कि कोई है नहीं लाइफ में जो हेल्प करे सपोर्ट करे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है स्पेशली आप में से कुछ लोग आइसोलेशन के पीरियड से निकल रहे हैं अगर बहुत ही महीनों से अकेले अकेले रह रहे थे बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे थे या फिर सारी मुश्किलों को अकेले हैंडल कर रहे थे तो यहाँ पे कोई पर्सन आएगा या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आपको हेल्प मिलेगी एट द सेम टाइम आप फाइव ऑफ पेंटिकल और सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ट्रांजिशन ऐसे करते हुए दिख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कुछ चैरिटी कर रहे हैं अपनी लाइट को शेयर कर रहे हैं अपने टैलेंट को शेयर कर रहे हैं और अपने पोटेंशियल को शेयर कर रहे हैं तो ये जो अकेलेपन से आप निकल रहे हैं दो तरीके से निकलते हुए दिख रहे हैं या तो आप लोगों की हेल्प करोगे या फिर लोग आपकी हेल्प करेंगे और ये जो अकेलापन महसूस हो रहा था ये जाएगा लाइफ से आई एम सरप्राइज कि बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ वांस की एनर्जी है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है अगेन uh, ये दोनों एनर्जीज़ ये बता रही कि लाइफ ऐसे नॉक नॉक करेगी आपको कि कुछ चेंजेस लाओ कुछ नया शुरू करो अगेन आप उस चेंजेस को लेते हो कि नहीं वो आप पे डिपेंड करेगा बिकॉज अगेन फोर ऑफ़ पेंटिकल की एनर्जी है अगर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वांस है और फोर ऑफ़ पेंटिकल है तो अगेन हमने पास्ट को या कुछ चीज़ों को ऐसे होल्ड करके रखा है कि ये नया क्रिएशन हो नहीं पा रहा है hmm? तो so अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्रिएट कुछ नया करते हैं या नहीं नए रास्ते पे चलते हैं या नहीं बट येस लाइफ आपको रिमाइंड करती रहेगी कैप्रिकॉन्स की इसको चेंज करो उसको चेंज करो कुछ नया शुरू करो राइट right? देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स ओके आपका ब्लॉकेज या फिर जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है ब्लॉकेज हम वैसे बाद में डिस्कस करने वाले हैं बट आपका ब्लॉकेज जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कुछ चीज़ जो पास्ट में वर्कआउट नहीं हुई या फिर कुछ चीज़ कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया है इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन हमें मिला है तो जो पास्ट की मेमरीज थी वो इतनी इंटेंस दिख रही है कैप्रिकॉन्स के लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं सप्टेम्बर में ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है लाइफ में कोई फायर साइन आते हुए दिख रहा है फ्रेंड के रूप में या फिर कलीग के रूप में कुछ कोलाब्रेशन हो सकता है कोई फ्रेंडशिप हो सकती है कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है यह पर्सन एर और साजिटेरियस दिख रहा है दैट इज मेष राशि सिंह राशि एंड धनु राशि हो मैं गॉड मैं इतना फास्ट क्यों बोल रही हूँ आई डोंट नो बट येस किसी से कुछ रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है जो बहुत ही फायर एनर्जी में स्टैंड कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा ड्रामा है यह पर्सन आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा लेके आएगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी लाइफ में तो आ, अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो लाइफ आपको इंटरेस्टिंग लगेगी शायद आपको ये पर्सन मोटिवेट करे ओके okay? लाइफ में अच्छा करने के लिए एंड देन वी हैव द लवर्स एंड थ्री ऑफ कप्स ओके सो टू ऑफ कप्स दिखाता फिर थ्री uh, फिर द लवर्स दिखा है फिर थ्री ऑफ कप्स दिखा है तो क्या दिख रहा है येस yes, यहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप हो रही है कोलाब्रेशन हो रहा है ये फ्रेंडशिप कोलाब्रेशन नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी अपने मतलब कि क्या होगा ये बॉन्ड जो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका जो लोग रोमांटिक कनेक्शन नहीं सीख कर रहे हैं उनके लिए ये, को, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प करेगा आप लाइफ में इन्जॉय करोगे इस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करोगे जो आपको सम हाउ करियर के लिए भी मोटिवेट करता हुआ दिख रहा है तो अगर आप रोमांटिक कनेक्शन सीख कर रहे हो तो यस ये रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है क्योंकि टू ऑफ कप्स पे आ रहे हो आप लोग ओके टू ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो बट ये एनर्जी और ज़्यादा इंटेंसीफाई होकर द लवर्स की एनर्जी में जा रही है हु? तो हो सकता है सितंबर में आप किसी से बात करना शुरू करो और ये एनर्जीज इंटेंस होती जाए ये कनेक्शन और ज़्यादा इंटेंस होता जाए और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है इस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो मेमोरीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो लाइफ अच्छी लग रही है आपको इस पर्सन के साथ में व्हाट एल टेक टू मोर कार्ड्स ओके सो यहाँ पे किंग ऑफ शॉर्ट्स है और यहाँ पे फाइव ऑफ शॉर्ट्स है किंग ऑफ शॉर्ट्स आपकी लाइफ में अगेन कोई पर्सन बता रहा है ये पर्सन रोमांटिक लाइफ या फ्रेंडशिप या इमोशंस से रिलेटेड नहीं है ये पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में आपके काम से रिलेटेड या फिर कोई बड़ा पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है आपके इन लॉस की एनर्जी हो सकती है आपके बॉस की एनर्जी हो सकती है या फिर <laughs> किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो जि, जैसा आप इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा मेच्योर है ये इंसान आपको परेशान कर सकता है तो हेड्सअप मैं दे रही हूँ कि यस yes, ये ये पर्सन आपको लाइफ में परेशान कर सकता है थोड़ा अ विश इज़ ग्रांटेड आपकी कोई विश पूरी होगी सितंबर में तो कोई एक विश है जो पूरी होते हुए दिख रही है और मुझे आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं स्पेशली ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओके 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 लेट मी टेल यू वन थिंग के अगर यहाँ पे आपने फाइव ऑफ कप्स एक्सपीरियंस किया है मतलब कि आपने अपनी इमोशनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं जैसे फ्रेंडशिप्स में क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि जिन लोग के साथ आप उठते बैठते हैं या फिर जो लोग आपके क्लोज हैं उनसे आप दूर भाग रहे हैं तो अगर पास्ट में ऐसा हुआ है कि कुछ डिसपॉइंटमेंट्स आपने झेले हैं लाइफ में तो लाइफ आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रही है इस टू ऑफ कप्स के थ्रू ओके okay? तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स दिखा दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में राइट right? डिसअपॉइंट किया है कुछ लोगों ने बट यहाँ पे दो कप्स रखे हुए हैं अभी भी तो लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है पर लाइफ आपको ये टू ऑफ कप्स के रूप में एक अपॉर्चुनिटी दे रही है ये टू ऑफ कप्स क्या है ये हैं दिख रहा है आपको ये वही टू ऑफ कप्स हैं जो यहाँ पे रखे हैं मतलब लाइफ कितनी भी परेशानी में चल रही हो यहाँ पे किसी पर्सन के साथ अच्छा बॉन्ड बन रहा है ये वो पर्सन शायद नहीं है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया था ये कोई और पर्सन दिख रहा है तो अगेन नई फ्रेंडशिप्स ओ माय गॉड नई फ्रेंडशिप्स नए, नए लोग कुछ नई अपॉर्चुनिटी और मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसी नई अपॉर्चुनिटी को ले आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करें लाइफ में वट एल्स वी हैव द कार्ड ऑफ अक्टूबर अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और येस आप जो विश चाह रहे हो जो विश आप चाह रहे हो कैप्रिकॉन्स uh, वो विश की शुरुआत उस चीज़ को उस चीज़ उस एनर्जी uh, वो एनर्जी जनरेट होना हो सकता है सितंबर से शुरू हो जाए और आपकी वो विश फाइनली अक्टूबर में पूरी हो मतलब आप उस विश के पूरे होने के रास्ते पे चलना शुरू कर दें सितंबर में बट अल्टीमेटली वो चीज़ आपको अक्टूबर में मिले देर इज़ हाई चांस एंड देन वी हैव ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप गॉडिया आपका किंग ऑफ सॉर्ट्स पर्सन यहाँ पे भी आया है ओके तो कुछ लोगों के लिए येस हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हों वो पर्सन आपसे उमर में बड़े हों तो ये एनर्जीज अलग अलग हैं बट अगेन ओल्डर मैन ये पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में बिकॉज थोड़ा सा आपको डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है ये पर्सन और कुछ लोगों के लिए अगेन ये पर्सन यहाँ पे आया है हु इज दिस पर्सन जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है गुड फॉर्चून गुड फॉर्चून दिख रहा है लकी दिख रहे हैं आप इस महीने तो कहीं इन्वेस्ट करना हो या यू you नो know, कहीं पे मेहनत करनी हो तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस ओके जो आंट का कार्ड है ये बहुत ज़्यादा ये एनर्जी देता है कि अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरी होगी लाइफ में तो मतलब कि अगर आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप उस पर मेहनत भी कर रहे हो तो वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी हुं? जैसे चीटियाँ कैसे मेहनत करती हैं दिन भर आई डोंट नो वो क्या करती हैं बट ओके बहुत ही स्टूपिट सी बात थी बट येस हार्डवर्क आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं यू विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल के आप सो यहाँ पे एड का कार्ड बता रहा है कि कुछ अलग होगा सितंबर में कुछ अलग कुछ ऐसा आप काम करोगे जो आपने कभी पहले कभी नहीं किया है कुछ ऐसे अलग से रिलेशनशिप्स बनेंगे जैसे बहुत टाइम से कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है लाइफ में तो बेस्ट फ्रेंड बन सकता है करियर में बहुत टाइम से कोई पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं किया है तो करियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एकदम बहुत ही अलग टाइप की पोजीशन में आ जाए मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने नहीं किया है कभी या फिर बहुत टाइम से नहीं किया है ये कुछ अलग रोल आप प्ले कर रहे हैं लाइफ में जैसे कि जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे कि जो घर के सबसे छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं ली होती है बट अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आ जाते हैं कि उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है तो वो कौन सा रोल प्ले हैं जो उन्होंने कभी किया नहीं है पहले तो ऐसे ही आप भी कुछ करते हुए दिख रहे हो लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने कभी पहले किया नहीं है एंड देन वी हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें बजट बनाएं कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं किसे पैसे उधार दे रहे हैं इवन तो लाइफ में पैसे आते हुए दिख रहे हैं बट अगेन ध्यान रखें कि कहाँ पे खर्च करें इन नीड ऑफ़ हेल्प असिस्टेंस एंड गाइडेंस ओके ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि अगर लाइफ में कहीं पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो गाइडेंस लें यूनिवर्स से या फिर हेल्प लें आपके आस के लोगों से अगर आप किसी परेशानी में हैं तो सोचें कि क्या आपकी कोई मदद कर सकता है क्या कोई समझदार इंसान है जो आपको कुछ सजेशन दे सकता है या फिर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है और किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं तो देखिए कि क्या आपके गार्जियन एंजल्स यूनिवर्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं क्या वो एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है समवन इज़ लिविंग योर लाइफ कोई पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है और यस yes, कोई पर्सन यहाँ पे भी दिखाता है कि कोई पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है और कुछ नए कनेक्शंस आपके बन रहे हैं यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दिस कार्ड इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ये कार्ड बोल रहा है कि आप ऑलरेडी राइट पाथ पे चल रहे हैं लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में मतलब लाइफ में लाइफ के एक पार्ट में आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर आप किसी एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं किसी एक कनेक्शन को फॉलो कर रहे हैं जॉब में किसी रास् जॉब ओ माई गॉड करियर में किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं और आप डाउट करें कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ तो येस yes, आप सही कर रहे हैं आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं कैप्रिकॉन्स ओके चलिए अब देखते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं और इन ब्लॉकेजेस को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं अब हम चार या पांच ब्लॉकेजेस निकालेंगे और उन चार पांच ब्लॉकेजेस में से आपके एक ब्लॉकेज भी आपका हो सकता है दो भी हो सकते हैं या सारे भी हो सकते हैं एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपके ब्लॉकेजेस डिस्कस करना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी गलती है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है या फिर आपने कुछ गलत किया है इसीलिए ये सब हो रहा है नहीं हम ब्लॉकेज इसीलिए देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर हमारे हाथ में है ठीक करना तो हम ये समझ सकें कि हम कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में राइट so let's see uh, breakthrough healing okay माय oh गॉड ये कार्ड इतने लोगों के लिए आ रहा है ये ये वाला जब भी कार्ड आता है तो लाइफ का इतना अलग पर्सपेक्टिव बताता है शायद मेरे दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आता अगर इस कार्ड की एनर्जी मुझे फील नहीं होती तो वी विल डिस्कस दिस आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर एंड आई बी बैक ओके कैप्रिकॉन्स तो आपके जो ब्लॉकेजेस के कार्ड्स हैं कैप्रिकॉन्स वो लाइफ के एक कॉन्सेप्ट uh, से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन के वो लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है और वो लॉ क्या है यूनिवर्स का और उसके बाद हम इंडिविजुअल कार्ड डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के हम जब इस अर्थ पे आते हैं तो हमारे साथ लाइफ में क्या होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है जैसे कि हमारे पास लाइफ कर्मास पे डिपेंड करता है प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है और uh, हमारे लाइफ लेसन्स पे डिपेंड करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक पर्टिकुलर वे में चल रही होती है और यस uh, डेस्टिनी yes, और कर्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसमें डेस्टिनी जो किस्मत है हमारी उसका बहुत बड़ा इम्पॉटेंट रोल रहता है प्लानट्स का रोल रहता है कर्माज का रोल रहता है बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं जैसे कि आ, जैसे कि आप आपके प्रेयर्स में इतनी पावर होती है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को लाइफ में चेंज कर सकते हैं आपके मेडिटेशन में पावर्स होती है आपके मैनिफेस्टेशन में पावर्स होती है तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें एक्चुअली चेंज कर सकते हैं और कुछ कर्मास होते हैं जो आपको भुगतने ही पड़ते हैं ऑल्सो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं वापस से अच्छे कर्मास करके भी चेंज कर सकते हैं तो यस लाइफ फिक्स होती है बट बहुत सारे टाइम 80% परसेंट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ को खुद से चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपकी रीडिंग में आपकी रीडिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं सबसे पहले रिपनेस का है और दूसरा क्रिएटर का है ये दोनों कार्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है कैप्रिकॉन्स उन चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश मत करिए ओके उन्हें फ्लो होने दीजिए जैसे कि किस्मत की कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं है फॉर से कि आ, मुझे किसी मुझे आई ऑफिसर बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है ये मेरे हाथ में पढ़ाई करना मेरे हाथ में है तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करूँगी यू you नो know, फोकस करूँगी मैं अपने प्रेयर्स भी करूँगी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूँगी बट अगर उसके बाद भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो ठीक है वो मेरे हाथ में नहीं था आई डिड माई बेस्ट बट मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला वो मेरे हाथ में नहीं था बट उसके बाद मैं सेकेंड टाइम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगी या नहीं करूँगी ये मेरे हाथ में है थर्ड टाइम करूँगी या नहीं करूँगी ये मेरे हाथ में है क्या मैं बीच में गिव अप कर दूँगी ये मेरे हाथ में है राइट right? तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उसे साइड में रखिए उसे सरेंडर करिए सरेंडर मतलब समर्पित कर दीजिए यूनिवर्स को या जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं रखनेस क्या बता रहा है कि जब एक आ, आ, ट्री पे जब एक ट्री पे कोई फ्रूट लगता है जैसे एक आम के पेड़ पे एक आम लगा हुआ है तो आप उस आम को फोर्स कर करके उसे पका नहीं सकते हैं इवन दो आजकल बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल वेज हो गए हैं जिससे कि आप फ्रूट्स को यू नो या यू नो वट आई मीन बट एक्चुअली मैं अगर आप नेचुरल प्रोसेस देखेंगे तो एक फ्रूट का टाइम होता है जब वो छोटा सा होता है फिर वो धीरे धीरे पकता है फिर वो पक के अपने आप ही पेड़ से गिरता है मतलब कि उसका एक टाइमिंग होता है राइट right? तो यहाँ पे जो चीज़ों का आपकी लाइफ में डिवाइन ने टाइमिंग फिक्स करके रखा हुआ है उस चीज़ को फोर्स ना करें क्योंकि जितना उस चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज़ ख़राब होती जाएगी ओके जैसे कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन रखा मैनिफेस्टेशन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उस चीज़ से आप ऑप्सेस्ड हो जाओगे तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे आपका ब्लॉकेज ये हो सकता है कि आप लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे दूसरा एग्जाम्पल इस चीज़ का क्या हो सकता है कि लाइफ में आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे आपकी लाइफ में आप किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते आप कोशिश कर लीजिए कितनी भी आप कोशिश कर लो वो पर्सन वैसे ही आपसे बिहेव करेगा जैसे वो बिहेव करना चाहता है आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मुझे प्यार दो या तुम मुझे केयर दो या फिर तुम मुझे अटेंशन दो अल्टीमेटली वो पर्सन वही करेगा जो उसे करना है दिस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ये आपके कंट्रोल में नहीं है बट आपकी लाइफ बनाना आपके कंट्रोल में आपके बिहेवियर्स आपके कंट्रोल में दूसरों के बिहेवियर्स आपके कंट्रोल में नहीं है राइट right? तो यहाँ पर आपका ब्लॉकेज ये हो सकता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में आपकी लाइफ की टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती है हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को देखो और आपको लगे कि यार इस पर्सन की लाइफ इतनी परफेक्ट है या फिर इस पर्सन की लाइफ में प्यार है या पैसा है मेरी लाइफ में क्यों नहीं है यू नो अगेन आप उस चीज में इतने ज्यादा थॉट प्रोसेस या ओवर थिंकिंग या फियर में जा रहे हो कि आप अपनी एनर्जीज को खुद को ब्लॉक कर रहे हो आपको एक फ्लो स्टेट में आना है जहां पे जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसे आप सरेंडर करें ये रिपनेस बता रहे कि कोशिश पकड़ने की मत करो एक बार मांगा आपने कोई विश मैनिफेस्टेशन कोई ट्राई किया उसे छोड़ दो अब दूसरी चीज क्या है जो कॉन्ट्रोडिक्ट्री है वो है द क्रिएटर द क्रिएटर यहाँ पे कार्ड आके आपकी ब्लॉकेज ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स ने काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है कैप्रिकॉन्स काफ़ी सारी लाइट है आपके अंदर आप उस पोटेंशियल और उस लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं अब ये लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि एक चीज़ हमने देखी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको हमने छोड़ दिया यूनिवर्स पे पर कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने हाथ में ले सकते हैं क्रिएटर का कार्ड ये बताता है कि क्रिएटर ने यूनिवर्स ने आपको एक लाइट दी हुई है ये लाइट क्या हो सकता है ये लाइट आपका टैलेंट हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट है आप में किसी चीज का ये लाइट आपका पोटेंशियल हो सकता है ये लाइट आपकी पावर हो सकती है कि इस लाइट का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में एक बेटर कुछ बेटर चीज़ें क्रिएट कर सकें या फिर इस पोटेंशियल का यूटिलाइज कर सकें और आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ब्लॉकेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप इस पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं ये खाली वेस्ट जा रहा है इट्स तो लाइक के यूनिवर्स ने आपको कुछ रिसोर्स दिए हैं आप उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप अगेन एग्जाम्पल दे समझाती हूँ हर किसी के लिए अलग अलग होगा जैसे कि फॉर से um, मेरी वॉइस अच्छी है और मुझ में ये टैलेंट है कि मैं अपनी वॉइस से कुछ क्रिएट कर सकती हूँ बट मैं उस वॉइस का यूज़ नहीं कर रही हूँ शायद मुझ में नॉलेज है फोर्सेट फॉर सेट चलिए बहुत ही ईजी चीज़ बताती हूँ शायद मुझ में इतना नॉलेज है या फिर मुझ में शायद इतना टैलेंट है कि मैं टैरो रीडिंग्स कर सकती हूँ बट मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ और मैं अपनी उस लाइट को यूज़ ही नहीं कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ मैं भगवान की दी हुई किसी टैलेंट को वेस्ट जाने दे रही हूँ इमेजिन करिए कि मैं ये चैनल कभी शुरू ही नहीं करती इमेजिन करिए कि मैं आपकी कभी रीडिंग्स करती ही नहीं तो आपके पास ये मैसेजेस कभी आ ही नहीं पाते और मैं अपने टैलेंट को वेस्ट कर देती अपनी लाइट को जो यूनिवर्स ने मुझे दी है उसको वेस्ट कर देती उसको यूज़ नहीं करती समझ रहे हो आप तो ऐसे ही आप में भी कुछ टैलेंट है टॉरस जिसे आप फालतू बर्बाद होने दे रहे हैं वो टैलेंट क्या है आप सब में अलग अलग होगा बट आपको उसका यूज़ करना है चाहे वो आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर हो क्योंकि ये जो लाइट है ये हम सब में होती है इसी लाइट से हम प्रेयर्स करते हैं इसी लाइट से हम मेडिटेशन करते हैं इसी लाइट से हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं ये हमारा इनर पावर है बट हम इस पावर को यूज़ नहीं करते हम टैलेंट को यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है उस चीज़ को यूज़ करने की जो आपका पोटेंशियल है आप आई थिंक आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और हर किसी में कुछ ना कुछ होता है हर किसी में आप बोलोगे मुझ में कोई टैलेंट है मैं मान ही नहीं सकती एक्सप्लोर करिए सीखिए और हर कोई डे वन से परफेक्ट नहीं होता है तो ये मत सोचो कि हाँ मुझे अंदर से इंस्परेशन आता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए बट मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ या मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ तो डे वन से कोई भी परफेक्ट नहीं होता ये प्रैक्टिस से आता है कोई परफेक्ट नहीं परफेक्ट होने का वेट मत करिए कोई कभी भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है ओके okay? तो इस लाइट का यूज करिए आपकी ब्लॉकेज ये है कि यूनिवर्स ने कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं ओके okay? तो यहाँ पे कैसे ये दोनों कार्ड्स कॉन्ट्रोडिक्ट्री हैं कुछ चीजें हैं जो हमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो कुछ चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे आप अपने हाथ में लो समझ तो ये यह यहाँ पे मैसेज था बहुत ही स्ट्रांग अब इस मैसेज से रिलेटेड ये शेयरिंग का भी मैसेज है क्योंकि यहाँ पे आप कैंडल देख रहे हो इस कैंडल में लाइट है और ये पर्सन अपनी लाइट को शेयर कर रहा है या आपने अबंडेंस को शेयर कर रहा है तो जैसे कि क्रिएटर वाली लाइट थी यहाँ पे शेयरिंग भी बता रहा है कि आपका ब्लॉकेज ये हो सकता है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो अगेन किस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हो अपने टैलेंट को शेयर नहीं कर रहे हो अपने अबंडेंस को शेयर नहीं कर रहे हो अपनी लाइट को शेयर नहीं कर रहे हो और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जितना आप शेयर करोगे जैसे अगर आप अच्छे सिंगर हो तो उस को दुनिया से शेयर करो जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक या सॉन्ग्स कैसे सुन पा रहे हो हेडफोन लगा के कैसे उसे इंजॉय कर पा रहे हो क्योंकि किसी आर्टिस्ट ने उसे आपसे शेयर किया है राइट तो ऐसे ही जो भी चीज़ में आप बेटर हैं उसे शेयर करिए दुनिया को शेयर करिए चाहे वो आपके पैसे हो आप चैरिटी करो आपकी काइंडनेस हो कि आप स्ट्री डॉग्स को खाना खिलाओ या फिर आपका कोई टैलेंट है जिसे आप दुनिया से शेयर करो क्रिएट करो आर्ट क्रिएट करो तो कुछ आपको है जो अगर आप दुनिया से शेयर करोगे तो आपको हंड्रेड फोल्ड वापस आपकी लाइफ में आएगा और अबंडेंस क्रिएट करेगा तो ये ब्लॉकेज भी हो सकता है कि हम अपनी लाइट को दुनिया से शेयर नहीं कर रहे हैं ठीक है जैसे आपको लगता है कि आप एक हीलर हो आप स्पिरिचुअल spiritual, स्पिरिचुअली uh, कुछ कर सकते हो बट आप उस लाइट को शेयर नहीं कर रहे हो, हो सकता है दुनिया को आपकी ज़रूरत हो कैप्रिकॉन्स उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट कार्ड है वो ब्रेक थ्रू का कार्ड है ब्रेक थ्रू भी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि हमारी लाइफ कैसे कर्मास के थ्रू क्रिएट होती है और कैसे आप बेटर कर सकते हैं अपने हाथ में ले सकते हैं अपने प्रेयर्स और मेडिटेशंस के थ्रू अब इसमें ब्रेक थ्रू जो इस पर्टिकुलर कार्ड की एनर्जी है अगर आप इसे देखेंगे अच्छे से तो ये एनर्जी ऐसी है कैप्रिकॉन्स के इट्स लाइक like कि आपने ख़ुद को एक बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है अपने बिलीफ सिस्टम के कारण अपने बिलीफ सिस्टम के कारण अब मैं बिलीफ सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि अगेन एग्जाम्पल देखें कि अगर मैं किसी ऐसे घर में पैदा हुई हूँ सबके लिए अलग अलग हो सकता है मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मैंने बचपन से ही पैसों की प्रॉब्लम देखी है बहुत सारे इश्यूज हुए हैं फाइन, फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत ही यू नो बहुत ही परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी बहुत मुश्किल था ख़र्चा उठाना पढ़ाई करना सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था अब मैं इस डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टी से मैं एक ऐसा माइंडसेट बना सकती हूँ अपना ज़िंदगी भर के लिए कि पैसा कमाना मुश्किल है और पैसा मुश्किल से आता है या फिर मैं एक ऐसा माइंडसेट बना सकती हूँ कि मैं मैं मुझे लग्जरी कभी मिलेगी ही नहीं लाइफ में या फिर मैं लग्जरी तक पहुंच ही नहीं सकती मैं कभी इतने बड़े घर में नहीं रख सकती मैं कभी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती मैं कभी दुनिया नहीं घूम सकती मैं ये ब्रांड नहीं खरीद सकती वो नहीं खरीद सकती क्योंकि बचपन से मेरा एक माइंड क्या बना है कि पैसे कमाना मुश्किल है ऑन द अदर हैंड सेम सर्कमस्टांसिस में कुछ लोग होते हैं और उनका थाट प्रोसेस क्या रहता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली है ना अब तो मुझे ये चाहिए मैं इतना हार्डवर्क करूंगी कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकूँ दिस इज़ वॉट अ माइंड सेट इज़ और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या मैनिफेस्टेशन या कुछ भी ऐसा फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड की री प्रोग्रामिंग करने को कहा जाता है या फिर आपको अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने को कहा जाता है क्योंकि पहली चीज़ क्रिएशन का पहला रूल होता है कि क्रिएशन सबसे पहले आपके दिमाग में आता है तब वो फिजिकली मैनिफेस्ट होता है चाहे वो एक आर्टिस्ट का आर्ट क्यों ना हो अगर कोई पेंटिंग बना रहा है तो उसके दिमाग में पहले वो आएगा ना कि मुझे इस टाइप की पेंटिंग बनानी है तब वो पेपर पेन लेके उसे क्रिएट करना शुरू करेगा बट अगर दिमाग में ही नेगेटिविटी है तो कुछ भी कर लो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा फिर या तो आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी है तो आएगी अब आप यहाँ पे आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम या आपका सबकॉन्शियस अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है क्यों है क्या रीज़न हो सकता है कि मैम मैंने पहले ट्राई किया था मुझसे नहीं हो रहा मुझे फेलियर मिला है मुझे चार बार फेलियर मिला है मैंने अपना बिजनेस करने की कोशिश की वर्कआउट नहीं किया तो वर्कआउट नहीं किया तो बिलीफ सिस्टम क्या बना लिया कि अब तो मुझसे बिज़नेस होगा ही नहीं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया नहीं निकला एग्ज़ाम के अब तो लाइफ में कुछ होगा ही नहीं यही जिंदगी है इसे ही एक्सेप्ट करो रिलेशनशिप दो तीन वर्क नहीं किए तो अब क्या है मेरी लाइफ में प्यार लिखा ही नहीं है ये क्या है ये बॉक्स है जिसमें आप खुद को कैद कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स और इसी बॉक्स को तोड़ के यहाँ से निकलना है कि नहीं हुआ ना एक बार सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे मैनिफेस्ट करेंगे किस्मत में नहीं लिखा है किस्मत को बदलेंगे मैनिफेस्टेशन से प्रेयर से अपने डिवोशन से और अच्छे कर्मास करके तो इसको बोलते हैं बॉक्स से निकलना बॉक्स में रहना क्या है कि ये तो मेरी किस्मत है ये मेरी डेस्टिनी है अब यही किस्मत है ऐसी ख़राब किस्मत को अब जिनाब कुछ नहीं होगा दस बार ट्राई करो दस बार फेलो बट ट्राई करते जाओ क्योंकि होगा कैसे नहीं होगा बिल्कुल होगा प्रॉब्लम ये है ना कि गिव अप कर देते हैं हम बीच में तो अब हो सकता है कुछ लोगों को डेस्टिनी से लड़ना पड़ता है कुछ लोगों की किस्मत सच में ख़राब होती है मुझे भी लगता है कि लाइफ में कहीं कहीं जगह मेरी किस्मत खराब है मुझे हमेशा उस चीज़ को पाने के लिए लड़ना पड़ता है बट येस इस फेलियर को एक्सेप्ट करने से तो बेटर है ना कि हम उस चीज़ को लड़ें उस चीज़ के लिए लड़ें और सुनर और लेटर वो चीज़ मिल जाती है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गिव अप नहीं करोगे ना तो मिल जाएगी तो सबसे पहले अपने अपने आप को ना इस बॉक्स से निकालो ये देखो ये पर्सन इस बॉक्स को तोड़ के बाहर निकल रहा है कि जो भी हमारा बिलीव सिस्टम है हमारे फेलियर्स हैं जो कुछ भी हुआ नहीं मुझे खुद के लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट करनी है नो मैटर वॉट अब आपका ब्लॉकेज क्या था यहाँ पे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने फेलियर को और उस बॉक्स में अपन कैद हो यही जिंदगी है अब मेरी hmm? अब दो इम्पॉर्टेंट और चीज़ जो आपको रोक रही है लाइफ में आगे बढ़ने से वो आपकी हीलिंग है और ये कार्ड है लेटिंग वो का ओके okay? हीलिंग और लेटिंग वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग समझ गए हो राइट अवे आई नो बहुत समझदार हो आप लोग <laughs> आप इसे बाकी लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो पास्ट है वो अगेन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है क्योंकि पास्ट को आपने होल्ड करके रखा हुआ है और ये शायद मैंने आपको इन सारे कार्ड्स निकालते इन सारे कार्ड्स को निकालते टाइम भी बताया था कि आपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है क्या कौन ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा हिंडर क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ को ग्रो होने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ना है जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपको एक्सेप्ट करना है कि वो चीज़ें एंड हो गई हैं अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और एक बेटर लाइफ अपने लिए क्रिएट करनी है अब ये कोई जॉब हो सकती है फ्रेंडशिप हो सकती है पास्ट का कोई फेलियर हो सकता है किसी चीज़ में हम सक्सेसफुल नहीं हुए हमने बहुत मेहनत की कोई बात नहीं एक्सेप्ट करो कि फेल हो गए और आगे बढ़ो एक बेटर लाइफ क्रिएट करने के लिए लेटिंग गो क्योंकि कुछ चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो तो लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है दूसरी चीज़ है हीलिंग अपने आप को हील करने की ज़रूरत है जो भी दुख तकलीफ़ पेन ट्रॉमा नेगेटिविटी जितनी भी लाइफ ने आपको अभी तक दी है उससे हमें निकलना है और पॉजिटिविटी अपने दिमाग में और अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है हीलिंग के मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं कल की वीडियो में तो आप चाहें तो जेमिनाई की वीडियो में जाके उनके ब्लॉकेज़ के सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टाइमस्टैम्प्स दिया हुआ है उसमें जा सकते हैं बिकॉज़ अगर मैं आपको हीलिंग की सारी प्रोसेस अभी बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा बट येस yes, आपको जर्नलिंग करनी शुरू करनी है जर्नल करिए अपने जितने भी नेगेटिव थाट्स हैं उनको पेपर पेन पर लिखे जितना भी पेपर पेन पे लिखिए पेपर पे लिखिए पेन से हो माई गॉड सो जितने भी नेगेटिव थाट्स हैं उन्हें यू uh, नो you know, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप शेयर कर कर सको आपको लगता है कि कोई कोई uh, कोई मुझे समझना समझता नहीं है कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है मुझे भी ऐसा बहुत बार पर्सनली लगता है कि मैं किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ अगर मैं उसे अपनी प्रॉब्लम बताऊँगी किसी को भी तो उसको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या करना है आपको आपको अपनी जर्नल उठानी है और डियर यूनिवर्स डियर गार्जन एंजल्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं आप शायद अल्लाह में रखते हैं या फिर हनुमान जी में रखते हैं शिव जी में कृष्ण जी में क्राइस्ट में जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं उन्हें लेटर लिखिए कि मुझे मेरे साथ ये गलत हुआ मैंने ये ये फेस किया मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस चीज़ को मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ मुझे इतना दुख हो रहा है कोई मुझे समझ नहीं रहा है जितनी जो नेगेटिविटी है ना उसे निकालना शुरू करिए अपने अंदर से जितना लिखेंगे जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा हील होते जाएंगे और साथ में ग्रैटिट्यूड लिखना भी शुरू करना है हमें ग्रैटिट्यूड लिखना क्यों हमें शुरू करना है कि हम जैसे हम दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं वैसे ही हम पॉजिटिविटी अंदर डालना शुरू कर दें अपने सबकॉन्शियस में कुछ चीज़ें तो होंगी ना जो लाइफ में अच्छी चल रही होंगी उनके बारे में लिखें ये मैं इतनी बार बता चुकी हूँ मुझे इतना ब्रोकन रिकॉर्ड फील होता है जब मैं ये बातें करती हूँ बट आई थिंक ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना लाइफ इतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी मतलब आई एम अ पर्सन मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने बचपन से भगवान जी बोला है आई डोंट मीन टू बी रिलीजियस बट मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ भगवान जी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों देते हो आप मतलब क्या मज़ा आता है आपको पर <laughs> तो उन सारी प्रॉब्लम्स से नेविगेट करना मुझे इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आ गया है कि लाइफ अब मुझ पर कुछ भी थ्रो करे मुझे पता है कि मुझे कैसे निकलना है तो आपको भी ऐसे ही निकलना है तो एक साइड आपने अपनी परेशानियों को लिखना शुरू किया दूसरे साइड आपने अपने दिमाग में क्या इनटेक किया अच्छी चीज़ों को तो मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ चलो आज मेरे पास ग्रेटफुल होने के लिए कुछ भी नहीं है बट शायद मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया मैं ग्रेटफुल हूँ अपने प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं कुछ जो सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ यू <laughs> नो you know? आज मैं अपने वर्कआउट के लिए ग्रेटफुल हूँ आज जो मैंने अच्छा खाना खाया उसके लिए मुझे चाय पीने को मिली <laughs> उसके लिए ग्रेटफुल तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते तो बेसिकली आपको सबकॉन्शियस में अच्छी चीज़ आपको अपने दिमाग को भरोसा दिलाना है आपके सबकॉन्शियस को भरोसा दिलाना है कि लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे ठीक है तो ये प्रोसेस करके खुद को हील करें हीलिंग का सबसे बड़ा सुपर पावर एक होनो पोनो पोनो मेडिटेशन होता है जिसमें हम चार लाइन्स बोलते हैं वो होता है इंटरनेट पर जाके सर्च करिए दूसरा आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं पाँच या दस मिनट का अब मेडिटेशन की बात मैंने लास्ट में क्योंकि बोलिए क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग नहीं कर पाते हो आपके बहुत ही रैंडम एक्सक्यूजेज होते हैं और कुछ नहीं करने से बेटर है कि आप कुछ करें इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी तो खुद को हील करना है लेट गो करना है पास्ट को हीलिंग आपकी लाइफ के लिए अभी इंपॉर्टेंट दिख रही है कि जो भी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से सो so, अब हम देखते हैं यूनिवर्स की साइड से कुछ मैसेजेस एक स्पिरिचुअल मैसेज निकालने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है ये डेक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो लेट सी क्या आता है आंसरिंग द कॉल आंसरिंग द कॉल यूनिवर्स के कॉल को आंसर करिए यूनिवर्स क्या क्या इंस्पिरेशन जब भी अंदर से कुछ करने का इंस्पिरेशन आए ना तो समझ लेना कि ये आप यूनिवर्स हैं जो आपको बोल रहे हैं वो चीज़ करने को मतलब अचानक से आपके दिमाग में एक ख्याल आए कि यार मुझे ये करना चाहिए तो वो समझ लो वो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हाँ ये करो ये तुम्हारे लिए अच्छा है मतलब जिस चीज़ को सोच के एक्साइटमेंट होने लगे और जो चीज़ आपके हाथों में है ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है मतलब इससे मुझे बहुत अच्छी यू you नो know, वो आपकी जो खुशी है या जो इंस्पिरेशन है वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए मतलब अगर मेरा मन करा है कि आज मुझे ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए आज मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ तो वो क्या होता है इंस्पिरेशन होता है यूनिवर्स की तरफ से और ये चीज़ यूनिवर्स मुझे बहुत टाइम से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले छः महीने से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आ, मैनिफेस्टेशन पर वीडियोज़ बनाओ बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बट मैं सूनर और लेटर जरूर करूँगी तो अंदर से कुछ आता है कि मुझे अपना ये काम करना शुरू करना चाहिए आज मुझे मुझे इस महीने जिम ज्वाइन करनी है ये ये करूँगी और मैं एक्साइटेड हो रही हूँ सोच के तो वो जो कॉलिंग होती है वो अंदर से आती है और अब चाहे आप इंस्पिरेशन फ़ील करें या ना करें आपको पता है ऑलरेडी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू आपकी सोल यूनिवर्स आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो उस कॉल को आंसर करिए ओके वॉट एल्स वी हैव हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा व्हाट एल्स यूनिवर्स फॉलो योर ब्लिस इन्जॉय द जर्नी कितने सिमिलर मैसेज हैं मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे मैसेज है कि जर्नी को इन्जॉय करिए अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे परेशानियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए प्रॉब्लम से और लाइफ को इंजॉय करिए हैव सम फन ओके कैप्शिकॉन्स और फॉलो योर ब्लिस नेविगेटिंग बाय द स्टार फॉलो योर ब्लिस फॉलो योर ब्लिस क्या बोल रहा है जो चीज़ आप करना चाहते हैं जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं उस रास्ते पे चलिए अपने ब्लिस को अपने इंस्पिरेशन को फॉलो करिए ओके तो फॉलो योर ब्लिस नेविगेटिंग बाय द स्टार हमारा इंट्यूशन uh, हमारा इंट्यूशन हमें गाइड कर रहा है यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं कि नेविगेट करो बाय द स्टार्स फॉलो योर ब्लिस अपने ब्लिस को फॉलो करो क्या करना चाहते हो ट्रू ट्रू कॉलिंग क्या है उसे फॉलो करिए इंजॉय करिए लाइफ को लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए कुछ सालों बाद सब खत्म हो जाएगा हम वापस से ऊपर जाएंगे फिर वापस से आ जाएँगे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली ओके टेकिंग शल्टर द आंसर्स आर विद इन बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनका जवाब आपके आपके पास ऑलरेडी है बट जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कीटिक होता है तो वो हमारा दिमाग यूनिवर्स के आंसर्स या हमारा इंट्यूशन कुछ बताने की कोशिश करता है तो सुन नहीं पाते हैं हम दिमाग में ब्लै 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 चल रहा है बट इसको जब थोड़ा सा डाउन करोगे जो दिमाग बातें कर रहा है उसको जब डाउन करोगे शांति में रहोगे थोड़ा सा तब सुनाई देगी इंट्यूशन um, की आवाज़ तब सुनाई देगी यूनिवर्स की आवाज़ तो आंसर्स आर विद इन जिस भी क्वेश्चंस के आप आंसर्स सीख कर रहे हो वो आपके अंदर ही हैं दूसरी चीज़ है टेकिंग शेल्टर टेकिंग शेल्टर क्या होता है पनाह लेना मतलब शेल्टर क्या होता है मेरा घर मेरा शेल्टर है हुँ? आपका घर आपका शेल्टर है जहाँ पर आप रहते हैं जहाँ पर आपने पनाह ली हुई है टेकिंग शेल्टर बता रहा है कि जब कहीं और से सपोर्ट ना मिले जब कहीं कोई और आपका सपोर्ट सिस्टम ना बन पाए जब आप लाइफ में अकेला महसूस करें तो आपको शेल्टर जो है पनाह जो है वो यूनिवर्स में लेनी है या जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उस एनर्जी में लेनी है उनके पास जाएं लोगों से मत बोलें कि मुझे सपोर्ट करो मुझे अंडरस्टैंड दो मुझे प्यारंड मुझे अंडरस्टैंड करो मुझे प्यार दो जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे हो नहीं पा रहा हैंडल नहीं हो पा रहा मुझे सपोर्ट चाहिए तो उस टाइम पे यूनिवर्स से सपोर्ट लीजिए ओके ग्रेट एडवेंचर टेक अ रिस्क वेंचर फॉरवर्ड ग्रेट एडवेंचर बता रहा है कि रिस्क लीजिए थोड़ा लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करिए नए रास्तों पर जाइए लाइफ को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाइए ओके सो टेक अ रिस्क वेंचर फॉरवर्ड थोड़ा सा रिस्क लो और आगे बढ़ो ओके सेम जगह पर नहीं रहना है जहाँ जहाँ हम कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है स्टेइंग फोकस्ड होल्ड द कोर्स होल्ड द कोर्स स्टेइंग फोकस्ड जो सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसे प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए कैप्रिकॉन्स और उस फोकस को होल्ड करिए कहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका उस जगह पे अपना फोकस रखिए अपना ध्यान उस जगह पे रखिए हंड्रेड परसेंट बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है इस फेज में लाइफ के इस फेज में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मुझे बस उसी पे ध्यान देना है उसी पे टाइम देना है बाकी चीज़ों पे नहीं देना है इस कोर्स को होल्ड करिए इस रास्ते को होल्ड करिए इस ड्रीम को होल्ड करिए और इस गोल को होल्ड करिए ओके चलिए अब दो अफर्मेश्स के कार्ड लेते हैं अफर्मेशन के थ्रू यूनिवर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं माई माइंड इज़ क्यूरियस एंड अ लाइफ टूडे आई विल नर्चर इट विथ अ गुड बुक अ शॉर्ट स्टोरी और अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ पोएट्री आई विल रीड समथिंग दैट स्टेज विथ मी ऑल डे ओके तो मेरे दिमाग में मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें आज डालनी है मतलब आपको सजेस्ट किया जा रहा है और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है ये पूरे महीने के लिए है कि अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें डालें पॉजिटिव बुक्स पढ़ें पॉजिटिव uh, पॉजिटिव शोज़ देखें अगर पूरे टाइम आप सीआईडी देख रहे हो मर्डर मिस्ट्रीज़ देख रहे हो बड़ा मज़ा आता है ना मर्डर मिस्ट्रीज देख के बहुत सारे लोगों को uh, तो uh, उन सब चीज़ों से उन सब नेगेटिविटी को दिमाग में नहीं फीड करना है पॉजिटिव चीज़ों को दिमाग में फीड करिए अच्छा म्यूज़िक सुन सुनिए पॉजिटिव मूवीज़ देखिए कॉमेडी मूवीज़ देखिए यू नो तो पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में डालना है ओके okay? दूसरा जो मैसेज uh, है टुडे आई विल रिमेंबर थ्री मैजिकल मंत्रास आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी आई स्पार्कल विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आई आई शाइन विथ पोटेंशियल ओ माय गॉड अगेन पोटेंशियल की एनर्जी आई है यहाँ पे तो आपको ये तीन मैजिकल मंत्रास को बोलना है पूरा महीना आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और आप अपनी पॉजिटिव लाइट को शेयर कर रहे हो हमने इस पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है तो आप रेडिएट कर रहे हो उस पॉजिटिव एनर्जी को आई स्पार्कल विद सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको इस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को भी इम्बॉडी करना है क्या उस सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है आपको आई शाइन विद पोटेंशियल और मैं अपने पोटेंशियल आप, आपको अपने पोटेंशियल को भी यूटिलाइज करना है तो पॉजिटिव एनर्जी में रहें सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें और अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करें ओके okay? सो दिस इज़ इट कैप्रिकॉन्स इतना मज़ा आया मुझे आपकी एनर्जी में टैप इन करके एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिले होंगे जो आपके काम के होंगे इस रीडिंग में हिट द लाइक बटन अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा और पूरे महीने इन सब बातों को ध्यान रखेगा अगर बीच में कभी मूड खराब होता है तो वापस से इस रीडिंग को देखेगा आई एम श्योर कि आपको यू uh, नो you know, कुछ अच्छी चीज़ें समझने को मिलेंगी तो मेरे प्यारे कैप्रिकॉन्स टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय